हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 25 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, सरकार की बड़ी घोषणाएं, नए नियमों की जानकारियां लेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अना तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय रूस यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौट आए हैं, और इस दौरान पीएम मोदी ने कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई विश्व नेताओं से भी मुलाकात की है। अपनी रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि उनकी रूस यात्रा काफी उपयोगी रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना करते हुए कहा है, ये देश ब्रिक्स समूह के कई देशों के लिए एक उदाहरण है, यानी हमारे इंडिया की तारीफ की गई है। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है, 13 देशों को दर्जा दिया गया और इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश भी हैं। यानी ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में संपन्न हो गया और इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें आपको बताएं पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। दुनिया में व्यवस्था बदल रही है। भारत को सुरक्षा परिषद में मिले स्थायी सीट, ब्रिक्स समिट में जयशंकर ने की सबसे बड़ी पैरवी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। गैर स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत के नेता लंबे समय से सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग कर रहे हैं। कई मंचों से भी ये मांग उठ चुकी है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता चाहता है और ब्रिक्स के मंच से भी एस जयशंकर ने एक बार फिर इस मांग को दोहराया है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल शुरू हो गया है। उड़ीसा सीएम से पीएम मोदी ने बातचीत भी की। 7 राज्यों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। दाना तूफान असना तूफान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका असर टकराने की जगह से 400 किलोमीटर दूर तक देखने को मिल सकेगा। 7 राज्य प्रभावित हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई है। उड़ीसा में दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक में होगा, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पुरी, खोरदा, नयागढ़, ढेन कनाल और केंडोजार जिले को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी देखने को मिलेगा। यूपी के पूर्वी हिस्से, खास करके वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर समेत आसपास के जिलों में बिजली चमकने के साथ ही हल्की बरसात हो सकती है। इस तूफान में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रह सकते हैं। यूपी में भी इसका हालांकि असर दिखाई देगा। उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक इसका बड़ा कहर देखने को मिल सकता है। 300 उड़ानें 552 ट्रेनें तक रद्द करनी पड़ी। कोलकाता भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक के लिए बंद किया गया है। भुवनेश्वर का एयरपोर्ट भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। उड़ीसा में तेज हवा, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने बैठक कर एहतियाती उपायों की समीक्षा की है। वहीं देखिए चक्रवाती तूफान दाना पर इसरो भी नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने सीएम माजी से जानकारी ली। लोगों को आश्रय केंद्रों में भी पहुंचाया जा रहा है। 10 लाख लोगों को निकाला गया। सिविल सेवा परीक्षा भी स्थगित हो गई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर ही चक्रवात दाना के 24-25 अक्टूबर के बीच टकराने को देखते हुए दोनों राज्य फिलहाल हाई अलर्ट पर हैं। और राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, एनसीआर में दिल्ली की हवा सबसे खराब। रोहिणी, द्वारका, मुंडका और बयवाना में एक्यूआई 400 पार देखा गया। आज शुक्रवार को भी एक्यूआई खराब श्रेणी में रह सकता है। शनिवार और रविवार को फिर से हवा बेहद खराब होने की आशंकाएं हैं। बीपी और शुगर के मरीज सावधान रहे। डॉक्टरों ने कहा कि इनमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक की आशंकाएं ज्यादा है। यानी प्रदूषण बढ़ने के साथ ही बीपी, शुगर, मोटापा के रोगियों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। ऐसे लोगों में ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। मौसम सर्द होने और प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ऐसे लोगों में रक्तचाप का स्तर भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति अचानक ब्रेन स्ट्रोक और दिल का दौरा दे सकती है। बुजुर्गों के लिए और उच्च रक्तचाप के मरीज, पहले से दिल का दौरा या ब्रेन स्ट्रोक झेल चुके रोगी, डायबिटीज, धूम्रपान करने वाले, मोटापा से परेशान लोगों की समस्या प्रदूषण में काफी बढ़ जाती है, इसलिए थोड़े सावधान रहे। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में अवैध संपत्ति गिराने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने
कहा, राज्यों के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों को गिराने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि हम उन याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मामलों से नहीं जुड़े हैं। इन याचिकाओं को सुनने लगे तो मामले काफी बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। बुधवार को अमित शाह से मिले थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी द्वारा सौंपे जाने की उम्मीद है और इसमें केंद्र से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। और कनाडा से बड़ी खबर आ रही है, जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग उठ रही है। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कनाडा में प्रधानमंत्री के खिलाफ 24 सांसद हो गए, कहा कि रिजाइन नहीं तो विद्रोह करेंगे। यानी कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा कि या तो वे पद छोड़ दें या फिर विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार हैं। और एक बार फिर 85 विमानों में बम की धमकी मिली है। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20-20, अकासा की 25 फ्लाइट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट भी रहा। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को एक बार फिर 85 फ्लाइट को धमकी मिली। उड़ानों में बम की धमकी वाली झूठी कॉल पर सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल मेटा और एक्स से भी मदद मांगी गई है। केरल से बड़ी खबर आ रही है, केरल में जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पूरे राज्य की जीएसटी टीमों ने सोने के व्यापार के लिए मशहूर त्रिशूर में आभूषण निर्माण इकाइयों पर छापेमारी करते हुए 75 करोड़ का 104 किलोग्राम सोना जब्त किया है। और खास बात आपको बताएं, इस कार्रवाई में विभाग के 700 अधिकारी शामिल रहे और 24 घंटे तक 78 स्थानों पर छापेमारी करके बड़ी संख्या में सोना जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राज्य के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने गुरुवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी और इसके बाद फिर सपा ने गाजियाबाद और खैर सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 7 सीटों पर सपा पहले ही प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में गड़ी सिंबल अजीत गुट के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैनर पोस्टर में लिखें, मामला कोर्ट में विचाराधीन, 6 नवंबर तक जवाब दें। महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजीत पवार गुट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि अजीत गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। वही देखिए, एनसीपी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 45 नाम है। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला फंसा। राउत बोले, हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 25 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा। वही देखिए, कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर है, महाराष्ट्र के चुनावी रण के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपने योद्धाओं के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की गई पहली सूची में कुल 48 उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं। और यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं बसपा ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। करहल से अवनीश कुमार साक्य को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद विधानसभा सीट से परमानंद गर्ग और मिर्जापुर की मजवा सीट से दीपक तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। और एनवीडिया ने हिंदी एआई मॉडल लॉन्च किया। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप की गई है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग 24 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनवीडिया भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। एनवीडिया ने हिंदी एआई मॉडल भी लॉन्च किया है। वहीं देखिए, अडानी टोटल गैस का मुनाफा 7.51% बढ़कर 186 करोड़ रुपए, यानी दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 12% बढ़कर 1318 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अडानी विल्मर का दूसरी तिमाही में 311 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल 131 करोड़ रुपए का नुकसान था। नतीजों के बाद शेयर भी 6% चढ़ गया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, 24 अक्टूबर को लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 16 अंकों की गिरावट के साथ 80,065 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 36 अंक की गिरावट रही और ये 24,399 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में पिकनिक के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश, 15 दिन पहले शिक्षा विभाग को सूचना देनी होगी, साथ ही पेरेंट्स को भी पूरी जानकारी और डिटेल बतानी पड़ेगी। गुजरात सरकार ने स्कूलों की पिकनिक और अन्य शैक्षणिक यात्राओं के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा कर दी है। नए नियमों के अनुसार गुजरात में अब किसी भी स्कूल को बच्चों को पिकनिक पर ले जाने से 15 दिन पहले डीओ को सूचना देनी होगी और इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को पिकनिक स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी देना भी जरूरी होगा। कोई भी स्कूल किसी भी छात्र या उसके अभिभावक को यात्रा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। पिकनिक पर जाना बच्चे के अभिभावकों की अनुमति पर निर्भर करेगा। इसके अलावा बच्चों को अभिभावकों के साथ भी पहले मीटिंग कर उन्हें सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देनी होगी। गुजरात से जुड़ा अपडेट है। और जम्मू कश्मीर में सेना के
के वाहन पर हमला हुआ, दो जवान शहीद हो गए, दो पोर्टर की भी जान चली गई, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के नागिन इलाके में LOC के पास गुरुवार शाम 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। गोलाबारी में 2 जवान शहीद हो गए, 3 से ज्यादा बदमाश इस हमले में शामिल हो सकते हैं, ऐसे अपडेट्स हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, अमेरिका हो या चीन, कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वॉशिंगटन में बोली निर्मला सीतारमण। वॉशिंगटन DC में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, हर 6 में से एक व्यक्ति भारतीय है और दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमेरिका हो या चीन, कोई भी देश आज भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वही देखिए, रोजमर्रा की जरूरत का सामान बनाने वाली दिग्गज FMCG कंपनी HUL ने तिमाही नतीजे पेश करने के बाद बड़ा फैसला लिया। कंपनी अपने आइसक्रीम बिजनेस को अलग करने का प्लान बना रही है। दिल्ली में नौकरी से हटाए गए बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दोबारा काम पर बहाली का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के संघर्ष के बाद इन्हें दोबारा नौकरी दी जा रही है। आतिश ने कहा कि दिल्ली वालों के बेटे केजरीवाल जी ने एक बार फिर वादा निभाया, संविदा कर्मियों को फिर नौकरी मिलेगी। और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी हालात नहीं बदले, ऐसा लग रहा है क्योंकि अब फिर से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। बांग्लादेश में एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की आहट सुनाई पड़ रही है। शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दिए गए राष्ट्रपति साहबुद्दीन के बयान से छात्र नाराज है और वो भी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। RRB एग्जाम डेट से जुड़ी खबर आ रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, घोषित किए एग्जाम की अधिसूचना के संभावित महीने। रेलवे भर्ती बोर्ड ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी घोषणा की है। 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली, त्योहारों को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। CM योगी आदित्यनाथ ने आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर से 24 घंटे बिजली रहेगी, 15 नवंबर तक 24 घंटे बिजली मिलेगी, ऐसा अपडेट है। दिवाली और छठ सहित आने वाले प्रमुख त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। और 1 नवंबर से नहीं आएगा OTP, टेलीकॉम कंपनियां क्यों दे रही है चेतावनी। दरअसल ट्राई के 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों पर दूरसंचार कंपनियों ने चिंता व्यक्त की है। इस नए नियम के तहत बैंकों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे गए ट्रांजेक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसिबिलिटी अनिवार्य कर दी गई है। यानी यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई भी गड़बड़ होती है तो वह मैसेज ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको बताएं, भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 अरब कमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं। फॉरेक्स से ट्रेडिंग करते हैं तो इन प्लेटफॉर्मों से हो जाए दूर, RBI ने अलर्ट लिस्ट में डाला। भारतीय रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 प्लेटफॉर्म पर सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को RBI ने अपने अलर्ट लिस्ट को अपडेट किया जिसमें कई अनाधिकृत प्लेटफॉर्मों के नाम शामिल हो गए। हरियाणा में 9,000 युवकों ने छोड़ी सरकारी नौकरी, इसकी वजह क्या है आइए देखते हैं। हरियाणा में 25,000 पदों पर जब से परिणाम घोषित हुए हैं तब से अब तक 9,000 युवाओं ने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी है। दरअसल करीब 9,000 युवाओं ने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां छोड़कर तृतीय श्रेणी की नौकरियां ज्वाइन की हैं। दिल्ली एम्स ट्रामा सेंटर में 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू हो गया है, अब सर्जरी दोगुनी होगी। दिल्ली एम्स में 5 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू किए गए हैं और ऐसे में अब ट्रामा सेंटर में सर्जरी की संख्या दोगुनी हो सकेगी। ट्रामा सेंटर में अब बेड बढ़कर 259 हो गए। शुद्ध हवा न मिला, मौलिक हक का हनन, सुप्रीम कोर्ट की वायु प्रदूषण पर केंद्र से राज्यों तक सबको फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुद्ध हवा न मिलना लोगों के प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के मौलिक अधिकार का हनन है। सावधान, आप भी हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट का शिकार, CBI अधिकारी बनकर 88 लाख रुपए ठग लिए गए। दिल्ली से सटे पलवल जिले में साइबर ठग ने CBI अधिकारी बनकर शहर के एक व्यापारी से 88 लाख रुपए ठग लिए गए। व्यापारी को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी का डर दिखाया गया और कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके जांच के नाम पर यह राशि ट्रांसफर करा ली गई। मामला दर्ज हो गया, फिलहाल जांच जारी है। और गुरुग्राम में जमकर गर्जा, बुलडोजर, 20 एकड़ में कट रहे 7 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। उत्तराखंड में पदोन्नति ठुकराए तो फिर गवानी होगी वरिष्ठता, नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पदोन्नति परित्याग नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। अब पहली बार पदोन्नति छोड़ने पर वरिष्ठता गवानी होगी। इसके अलावा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि के निर्धारण में भी बदलाव किया गया है। और CBSE से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, बच्चों के लिए अपडेट आया है। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल और 15 फरवरी से थ्योरी एग्जाम शुरू होंगे, CBSE ने यह घोषणा कर दी है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए डेट शीट जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि CBSE जल्दी यह भी जारी कर सकता है। केंद्र सरकार आज से देगी पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देश भर के किसान भाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करने का बड़ा अपडेट दिया है और इसके तहत ग्राम पंचायतों को 5 दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। मौसम की पूर्व सूचना से किसान भाई अपनी फसलों की देखरेख भी उचित तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या से जुड़ी है बड़ी खबर, ADM कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध हालात में जांच चली गई, कमरे में उम्रित पाए गए, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
अयोध्या में एडीएम कानून व्यवस्था की संदिग्ध परिस्थितियों में जांच चली गई। गुरुवार को सुबह एडीएम के आवास पर जब उनकी नौकरानी पहुंची थी तो दरवाजा भीतर से बंद था। कॉल बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो नौकरानी ने पड़ोस में रहने वाले अधिकारियों को सूचना दी और इसके बाद फिर जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस को भी जानकारी दी गई। बताया जा रहा कि एडीएम अपने आवास पर अकेले रहते थे और पिछले कई दिनों से वो कुछ अस्वस्थ भी चल रहे थे। वहीं प्रारंभिक जांच के आधार पर हार्ट अटैक की आशंकाएं भी जताई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश, 11 नवंबर को शपथ लेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वही देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन सावधान हो जाइएगा, खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में बड़ा अपडेट आया है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार बीते कुछ वर्षों के दौरान बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसके साथ साथ क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा मनी लॉन्ड्रिंग का है। यानी भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है और इस क्षेत्र की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने और देश की मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। गुरुवार को एक रिपोर्ट में इस तरह की बात कही गई। गूगल ने रिलीज किया नया अपडेट, फास्ट फॉरवर्ड के साथ नया वीडियो प्लेयर आया है। गूगल ने भी हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में गूगल ड्राइव के इस नए फीचर की जानकारी दी है। रेलवे चलाएगा 7000 छठ और दिवाली स्पेशल ट्रेन। केंद्र सरकार ने रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विशेष ट्रेनों के संचालन से रोज 2 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे त्योहारों पर यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए 7000 दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। वहीं देखिए, अब 30 दिसंबर तक चलेगी मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ के लिए ये ट्रेन का शेड्यूल। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट देखिए। दिवाली पर बस चलाने वाले रोडवेज कर्मचारियों पर बरसेगी लक्ष्मी, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दिवाली पर बस चलाने वाले रोडवेज कर्मचारियों को परिवहन निगम प्रोत्साहन राशि देगा। 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एक दिन की छुट्टी के साथ 10 दिन ड्यूटी करने वालों को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी नहीं करने पर 25 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल निवासी डॉक्टर अंश पांड्या की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि MBBS कोर्स करने के 1.5 साल बाद सितंबर 2024 में उसे डॉक्टर के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की गई। उसे 1.5 साल विलंब से नियुक्ति प्रदान की गई है जिसके कारण वह अपने अन्य साथियों से पीछे हो गया है और उसके करियर के 1.5 साल बर्बाद हो गए। दरअसल MBBS कोर्स पूरा करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल तक सेवा देने के बॉन्ड का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपए जुर्माने की शर्त को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका का मेन आधार यही रहा कि कोर्स पूरा करने के बाद 1.5 साल बाद नौकरी दी गई। फिलहाल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और दिवाली से पहले आम लोगों के लिए गुड न्यूज भी आ रही है। इन जगहों पर सरकार ने किया 25% सस्ती दालें बेचने का ऐलान। भारत में दालों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच भारत ब्रांड के तहत सरकार देश में बाजार में 20-25% कम कीमत पर सस्ती दाल उपलब्ध करवा रही है। फिलहाल साबुत चना और मसूर दाल को कम दाम पर उपलब्ध करवाने की पेशकश रखी गई है। सरकार की इस पहल के साथ चना, मूंग और मसूर दाल को कीमतों में छूट के साथ खरीदा जा सकेगा। इन दालों की खरीदारी कोऑपरेटिव रिटेल नेटवर्क और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से की जा सकेगी। वहीं देखिए, पंजाब के किसानों का बड़ा फैसला। कई मुद्दों को लेकर 26 अक्टूबर को हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पंजाब में किसान भाई 26 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवण सिंह पंदेड़ ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने को लेकर दर्ज की गई FIR, धीमी गति से हो रही धान खरीद और DAPA के मुद्दे पर माझा मालवा दो आबा क्षेत्र में हाईवे को अवरुद्ध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बटाला, संगरूर, फगवाड़ा और मेगा में राजमार्गों को पूरी तरह से अवरुद्ध करेंगे और इस मौके पर आपातकालीन सेवाएं शुरू रहेंगी। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे और साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी सहयोग की मांग की है। पंदेड़ ने कहा कि 26 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाला यह आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए होगा। और महंगाई का डबल डोज, मोबाइल रिचार्ज के बाद टीवी देखना भी महंगा होगा। केबल टीवी पर GST बढ़ाने के ऐलान के बाद से ही अब लोगों के लिए टीवी देखना भी महंगा होने वाला है। हालांकि कई केबल टीवी ऑपरेटर इसका विरोध भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में टेलीकॉम कंपनी ने मोबाइल रिचार्ज तो महंगा कर दिया था। वहीं देखिए, करंट अफेयर से जुड़ी है महत्वपूर्ण बड़ी खबर। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल जरूर बन सकता है। कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, UPSC हो, SSC, बैंकिंग, IBPS, रेलवे एग्जाम वगैरह जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें करंट अफेयर्स या GK के सब्जेक्ट में सवाल बन सकता है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब दिया जाएगा यह अवार्ड। खेल मंत्रालय ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार को इस वर्ष से ही ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बंद करने का निर्णय लिया है और मंत्रालय के अनुसार अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जाएगा। अब किस्तों में खरीदें दाल चावल से लेकर दूध, दही, अचार, कंपनी ने इस तरह की सर्विस लॉन्च की है। ब्लिंकिट सोने और चांदी के सिक्कों को छोड़कर
2999 रुपए से अधिक के ऑर्डर पर ईएमआई की सुविधा देगी। वहीं देखिए बुरी खबर, मकान मालिकों के लिए नया फरमान, अब अपना ही घर किराए पर देना मुश्किल होगा, नियमों में बदलाव हुआ है। अगर आप भी मकान किराए पर देकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार के नए नियमों के मुताबिक आपको घर किराए पर देना इतना आसान नहीं होगा। मकान मालिक घर को किराए पर देकर आराम से व्यापारी बनकर मौज करते थे, लेकिन अब थोड़ी तकलीफ में बढ़ सकती है। अब सरकार ने नियम बदल दिया, बिना टैक्स दिए मकान को किराए पर उठाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, इसलिए नियम जानकर ही आप अगला कदम उठाएं। दरअसल आपको बताएं, आम बजट में ही वित्त मंत्री जी ने यह साफ कर दिया था कि अब किराए पर मकान देने वालों को पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। सरकार ने मकान मालिकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब जो भी अपना मकान किराए पर देगा उसको सरकार को टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। यदि कोई भी मकान मालिक ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू होने वाले हैं। हालांकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों को कुछ छूट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं देखिए बड़ी खुशखबरी, 54 लाख बच्चों को मिलेगी स्कूल यूनिफॉर्म, सीएम। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 54 लाख स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आज शुक्रवार को 324 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को 25,000 रुपए मिलेंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए की सौगात देंगी राष्ट्रपति जी। दिवाली से पहले सीधे ही बैंक खाते में ये पैसे आएंगे। महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त भी आज शुक्रवार को जारी की जाएगी। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को कैंसिल कर दिया है जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की आयु तय करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया था। दरअसल आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि का प्रमाण नहीं, एक आधार कार्ड पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ये जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए लॉ की डिग्री की अनिवार्यता खत्म, सीजीआई ने बड़ी छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग के लिए अब लॉ डिग्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के संवाददाता के रूप में मान्यता के लिए पूर्व शर्त के रूप में कानून की डिग्री की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करने के लिए लॉ की डिग्री अनिवार्य योग्यता थी, 5 साल का अनुभव भी जरूरी था, लेकिन अब रिपोर्टिंग के लिए लॉ डिग्री की जरूरत नहीं है लेकिन रिपोर्टर को 5 साल लीगल कवरेज का अनुभव होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाए, जाति निवास और आय प्रमाण पत्र वहीं पर बनाए। उत्तराखंड में इस सत्र में अब नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका। 1 नवंबर से 2 बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियम भी बदलने वाले हैं। दिवाली शॉपिंग अगर आप भी करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI बैंक और प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है और ये नए रूल दिवाली के ठीक बाद लागू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है और इसके तहत स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही सरकार ने खाली शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हिमाचल में 6,297 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां शुरू। वहीं देखिए RRB JEE RPF SI भर्ती के लिए एग्जाम डेट में बदलाव। वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन भी दोबारा शुरू हुए हैं। उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ गई है, अब 2030 पदों पर नियुक्ति होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीखें घोषित हो गई है। अनावर यंत्र इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिस के 4,038 पदों पर भर्ती, 10वीं और ITI पास वालों को मौका मिलेगा। यूनियन बैंक में ऑफिसर की 1500 वैकेंसी भी निकली हुई है। वहीं देखिए राजस्थान से जुड़ी खबर है, सरकारी टीचर को हनी ट्रैप में फंसाकर 21 लाख रुपए मांगे। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ा दिया। दीपावली बोनस के बाद अब DA 50 से बढ़ाकर 53% हुआ, 1 जुलाई से इसका फायदा मिलेगा। अनावर जोधपुर आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री, जांच में कोई भी विस्फोटक नहीं मिला। राजस्थान में अगले साल 58 भर्ती परीक्षाएं होंगी, 4 भर्तियां बढ़ाई गई है। बोर्ड ने तारीखों में भी बदलाव किया है, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 74 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस का गठबंधन से किनारा, सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी राजस्थान में कांग्रेस बिना गठबंधन के अकेले दम भर रही है। अब उपचुनाव में कहीं त्रिकोणीय तो कहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। खींवसर से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनावी मैदान में, RLP प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के नाम की घोषणा से मुकाबला और त्रिकोणीय हो गया। वहीं खींवसर में रतन चौधरी होंगी कांग्रेस प्रत्याशी। अनावर आज खींवसर आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़। खींवसर उपचुनाव को लेकर भी राजनीतिक माहौल अब जमने लगा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को खींवसर आएंगे। अनावर मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, महाकाल के भस्म आरती दर्शन बिना रुकावट होंगे। भक्तों को रात 2 बजे से सीधे मानसरोवर गेट से एंट्री, दिवाली से पहले नई व्यवस्था। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, 4,665 पैसा मोबिलाइजर्स का मानदेय डबल कर दिया गया है। सीएम ने ट्वीट करके जानकारी भी दी। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में लागू किए गए पैसा
एक्ट के लिए मोबिलाइजर का काम करने वाले हैं। 4,665 लोगों को अब डबल मानदेय मिलेगा, यानी पहले 4,000 रुपए थे वो अब 8,000 रुपए कर दिए गए हर महीने के। और भोपाल में 27 अक्टूबर को नेशनल सुपर क्रॉस चैंपियनशिप, देश भर से शामिल होंगे 80 से ज्यादा राइडर्स। वहीं मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की भी चेतावनी आई है, बोनस नहीं मिला तो दीपावली के बाद नींद हराम आंदोलन करेंगे कर्मचारी। वहीं देखिए, हार्ट अटैक से बैठे बैठे गिर गया युवक और जान चली गई, दोस्तों ने CPR देने की कोशिश भी की लेकिन वो बचा नहीं पाए। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में हार्ट अटैक से एक युवक की बैठे बैठे जान चली गई। 4 लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा युवक अचानक सिर नीचे कर ओंधे मुंह गिर गया। हालांकि यह घटना 20 अक्टूबर की है लेकिन इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं देखिए आप, कानपुर में जिम से लौटते ही दरोगा को हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। दूध पीते ही सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश काकादेव थाने में तैनात दरोगा की हार्ट अटैक से गुरुवार सुबह जान चली गई। वो जिम करके घर लौटे थे और घर पर उन्होंने दूध पिया, पत्नी से सीने में जलन होने की बात कही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, इंदौर कोर्ट का फैसला, काला कोट पहनकर कोर्ट में वीडियो बनाने वाली लॉ स्टूडेंट के खिलाफ आरोप तय होंगे। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक हड़ताल पर, वेतन विसंगति पदोन्नति सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन, स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई है। वही देखिए, 8 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। बिजली भी गिर सकती है कई इलाकों में, तूफान दाना के असर को लेकर 3 दिन बूंदाबांदी के आसार, थोड़ी बहुत हवा भी चल सकती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और खबर देखिए, मेरा घर PM सूर्य घर जन जागरण अभियान की शुरुआत, दिवाली से पहले बिजली कर्मचारियों को 12,000 रुपए बोनस मिलेगा। CM ने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी उठाएं। लखनऊ में 2,000 कैब ड्राइवर्स नहीं चलाएंगे उबर रैपिडो, 10 दिन तक सिर्फ ओला कैब की बुकिंग लेंगे, 80,000 पैसेंजर पर इसका असर देखने को मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर भी आई है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों विद्यार्थियों को शैक्षणिक विवरण में त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया गया है। छात्रों को उनके नाम, माता पिता के नाम, वर्ग, विषय, जेंडर, जाति, फोटो वगैरह की जानकारियां आप अपडेट कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से 12 नवंबर की मध्य रात्रि तक वेबसाइट ओपन रहेगी। और दिवाली से पहले यात्रियों के लिए गुड न्यूज आ रही है, 29 अक्टूबर से चलेंगी और ज्यादा रोडवेज की बसें, कर्मचारी भी फायदा ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दीपावली से पूर्व यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जा रहे हैं, ये सेवा 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रहेगी। और गाजियाबाद में जल्दी लागू होगी महायोजना 2031, GDA ने नए मास्टर प्लान में शामिल होंगे मोदीनगर समेत कई इलाके। वहीं देखिए, कानपुर में ड्राइवर की बेटी का भारतीय नौसेना में सिलेक्शन हुआ है, पैसों की तंगी के चलते घर पर रहकर पढ़ाई की, मेहनत लगन परिवार में खुशियां लाई है। कानपुर के नरवल तहसील के पूर्वा मीर गांव निवासी आर्या सिंह पुत्री सुरेंद्र सिंह का भारतीय नौसेना में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ इस बेटी की सफलता के लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। और किसान को पराली जलाते समय सैटेलाइट से पकड़ा, सीतापुर में निगरानी टीम ने 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया, समान निधि भी रोकी जा सकती है। वहीं लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, समापन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव से पहले दर्शक दीर्घा बनकर तैयार, राम की पेड़ी के घाटों पर फैंसी स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जा रही हैं, सफाई और पेंटिंग का काम पूरा हो गया है। दीपावली से पहले गोंडा के 10,000 कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, 14,000 पेंशनरों को भी पेंशन मिलेगी, सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन देने की तैयारियां शुरू हो गई है, यूपी से जुड़ा अपडेट है। और मेरठ देश का 8वां सबसे प्रदूषित शहर, हवा में लगातार जहर घुल रहा है, 270 पहुंचा सिटी का AQI। अयोध्या जानकी धाम के बीच बिछेगी रेलवे लाइन, CM नीतीश ने पत्र लिखकर मांग की थी। दीपावली से पहले PM मोदी ने बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया। 2025 चुनाव के पहले सभी पंचायतों का होगा अपना भवन, सभी वार्ड में सोलर लाइट भी लगेंगे, बिहार से जुड़ा अपडेट है। CM नीतीश जी का निर्देश, जल्द ही जमीन तलाशी जाए। वहीं देखिए, दाना का झारखंड में भी असर, 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। पराली जलाने से हरियाणा के 3 शहरों में AQI 400 पार, डॉक्टरों ने कहा कि इस प्रदूषण में सांस लेना 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। वहीं पंजाब से एक और बड़ी खबर देखिए आप, पंजाब में रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म कर दी गई है, राज्यपाल ने सरकार के इस बिल को मंजूरी दे दी है, हजारों कॉलोनियों को इसमें फायदा मिलेगा। यानी पंजाब में रजिस्ट्री से NOC की शर्त खत्म करने संबंधी बिल को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है और ऐसे में अब कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। और इतना ही नहीं, इस कानून के लागू होने से अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, अब कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं काट पाएंगे। वहीं देखिए, पंजाब सरकार ने मेडिकल बिल में बढ़ोतरी की है, अधिकारियों पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा, नई दिल्ली एम्स की दरों के आधार पर कमरे का किराया। चंडीगढ़ में अवसादग्रस्त पूर्व सैनिकों को नहीं मिलेगी विकलांगता पेंशन, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, कहा कि बीमारी का सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं। चंडीगढ़ में हाइब्रिड कारों के लिए नई टैक्स नीति, एक्स शोरूम कीमत पर लागू होगी रोड टैक्स छूट। वहीं देखिए आप, गुजरात से जुड़ी खबर है, नकली जज के कारनामों के चिट्ठे खुलने शुरू हो गए। बिहार से जुड़ी एक और खबर देखिए, बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने गजब का प्लान बनाया है। मानसून के बाद बिहार की नदियों में बालू खनन फिर शुरू हुआ, 250 से अधिक बालू घाटों पर खनन शुरू हो गया है, लेकिन अवैध खनन और परिवहन
परिवहन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अब जिलों में विशेष छापामारी अभियान भी चलाया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 24 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 531 रुपए गिरकर 78,161 रुपए पर आ गया। वहीं देखिए चांदी की कीमतों में 1442 रुपए की गिरावट आई और ये 97,420 रुपए प्रति किलो के भाव पर आ गया। और आइए अब आपको बताते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज का राशिफल। 25 अक्टूबर शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृष राशि के लोगों को सितारों का भरपूर साथ मिलेगा, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी। वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ और रुका हुआ पैसा मिल सकता है, इससे आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। मकर राशि के लोगों को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है। मीन राशि के नौकरी पैसा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा और बाकी राशियों पर आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप एक बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट जानकारी हम देखते रहे। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।